करना चाहते हैं? हाउ सीरियस आर वी गिवन हाउ वी आर प्रमोटिंग इंडियन स्पोर्ट्स नाउ? आईओसी का सेशन जब मुंबई में हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत गंभीरता के साथ भारत का पक्ष रखा और कहा कि भारत तैयार है 2030 के यूथ ओलंपिक्स और 2036 के समर ओलंपिक्स के आयोजन के लिए। और कल हमारी जो फ्यूचर होस्ट कमीशन की बैठक फ्यूचर होस्ट कमीशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ हुई, उसमें हमने रखा कि क्यों भारत में होना चाहिए, जहां लगभग 140 करोड़ की आबादी है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, 1 बिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर है, 1 बिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, और जहां दुनिया की सबसे युवा आबादी है और जो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 4 वर्षों में हो जाएगी, तो हमारा हक भी बनता है कि दुनिया का अगर 6वां हिस्सा आबादी का भारत में है और सबसे ज्यादा युवा यहां पर है तो उसने अभी तक ओलंपिक्स का आयोजन नहीं किया। हमें इसका अवसर मिले, हमने गंभीरता के साथ अपनी बात रखी है। मुझे पूर्ण विश्वास है जब ये समय बिडिंग का आएगा, भारत इसमें कई और पहलू जोड़ेगा। हजारों वर्षों पर पुरानी हमारी परंपराओं से लेकर खेल के इतिहास से लेकर भारत की इच्छा स्पोर्टिंग सुपर हाउस बनने की, सुपर पावर बनने की, उस दिशा में हमने देश में बहुत सारे कदम उठाए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत भविष्य में उसमें सफल होगा। सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, क्योंकि ओलंपिक बहुत बड़ा एक इवेंट होगा हमारे लिए, तो कौन कौन से जगह पर हम सोच रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, दिल्ली फिर अहमदाबाद, बहुत सारे जगह? देखिए, जब देश में G20 समिट आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रखा, भारत की कला संस्कृति परंपराओं को दिखाने के लिए देश के 60 ऐसे शहरों के 200 स्थानों पर उसका आयोजन किया गया और भारत की हजारों वर्ष का इतिहास दिखाने का काम भी किया, न्यू टेक्नोलॉजी को दिखाने का काम भी किया, और इसके साथ साथ G20 की डेक्लरेशन भी हुई, न्यू दिल्ली डेक्लरेशन, फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी हुआ, इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी फाइनलाइजेशन हुआ। तो भारत ने हर उस मंच को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का काम किया है, छाप छोड़ने का काम किया है। ओलंपिक्स को लेकर भी हम रणनीति तय करेंगे, हमें कैसे इसमें आगे बढ़ना है और हम आने वाले कुछ महीनों में उसको तय करने वाले, अभी उसमें समय है। सर, हिमाचल की अगर बात करें तो अभी निर्माण जी ने वहाँ पर इस्तीफा दे दिया, अल्टीमेटम दिया है, बोल रहे हैं कि अगर सीएम चेंज करना तो करिए, फिर उसी हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। आपको लगता है कि अस्थिरता जो है वहाँ पर है कांग्रेस? कांग्रेस ने बड़े और झूठे वायदे करके सत्ता तो हथियाई थी, डिफरेंस भी मात्र 0.9% का था, यानी कि 1% से कम वोट हमें मिला। एक डिफरेंस जो था कांग्रेस और बीजेपी के वोट में वो 1% से कम था, उसके बावजूद उनकी सरकार बनी, क्योंकि बड़े बड़े वायदे किए थे, 1500 रुपये प्रति महीना हर महिला को देंगे, बड़े वायदे किए थे, लेकिन वो कुछ पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के विधायकों को चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया था, मुख्यमंत्री के यहां सुनवाई नहीं थी, आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया, और उनको पहला अवसर जैसे मिला राज्यसभा के चुनाव में, कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। अब वो दरारें और बढ़ती नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की फूट कलह और नजर आ रही है, और जो एक लंबा इंतजार 14 महीने तक करके देखा कि सरकार में कुछ नहीं हो पा रहा, विकास भी थम गया, वायदे भी पूरे नहीं हो पा रहे, तो स्वाभाविक है कि जनता का आक्रोश, कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि अब कांग्रेस को पूरी तरह से जनता नकारने वाली है, तब कांग्रेस के अंदर ये गतिविधियां शुरू हुई है। और मैं यही कहूंगा, ये तो होना ही था और हो रहा है। 14 महीने सस्पेंड कर दिया। देखिए, जितना मर्जी अन्याय करेंगे इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये एक बात स्पष्ट है कि हिमाचल की जनता किसी बाहर वाले को भी राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में जो कांग्रेस लाई उसको स्वीकार नहीं था, ये कांग्रेस के नेताओं को विधायकों को भी स्वीकार नहीं था। साथ ही साथ एक मौका था अपना आक्रोश दिखाने का, वो उन्होंने दिखाया है, लेकिन जो स्पीकर महोदय ने किया वो अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए था। अगर उनके पास नंबर्स नहीं है तो उसका पहला उदाहरण उन्होंने खुद दे दिया है
कि बीजेपी के विधायकों पर गाज गिरा रहे हैं, जहां एक और उनके अपने कांग्रेस के विधायक छोड़कर जा रहे हैं। थैंक यू जिस विषय पे मैंने पोलैंड का